ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु सरस्वते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदी गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद् गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 21 कृष्ण कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भगवान ने कहा कार्य, अब कार्य का क्या मतलब होता है कर्म, चाहे कौन सा भी हो, चाहे सत्कर्म हो, सत्काम कर्म हो, विकर्म हो, निष्काम कर्म हो, जो भी कर्म कारण और उस कारण के कर्म के कारण यानी जो भी कर्म है संसार में हो रहा है और उसका जो कारण बनता है जिसकी वजह से कार्य किया जाता है। और आगे है कर्तृत्व, कर्तृत्व का क्या मतलब होता है सृजन के मामले में। अब देखो इस संसार में सृजन के मामले में जो काम हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है और उस काम करने की जो भी वजह, जिस वजह से ये कार्य हो रहे हैं, हेतु उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, प्रकृति उसका उसकी वजह क्या है, प्रकृति रुच्यते। रुच्यते का मतलब होता है कही जाती है, यानी कि शास्त्रों में और साधु जितने भी हैं भक्त उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि सृजन के मामले में जो भी कार्य होते हैं उनके कारण, कार्य और कारणों की वजह क्या है कि प्रकृति है, ये प्रकृति की वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। आगे है पुरुष, पुरुष किसको कहा गया है यहाँ पर, जीव आत्मा को, जैसे कल भगवान ने कहा था प्रकृतिम पुरुषम सेव, प्रकृति और पुरुष जो है विद्यनादि उभावत। अब उस पुरुष के बारे में बताया गया है जो संसार में आके फंसता है, जिसके बारे में कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा बताया था कि वो फंस गया, ये महत्व नहीं, इसमें इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव आत्मा कैसे संसार में आई है, क्यों प्रकृति के संपर्क में आई है, आ गई है तो उसका सिर्फ एक ही काम है कि अब उसे ये सोचना है कि मैं संसार से कैसे बाहर निकलूं। उसी पुरुष को यहाँ पर उसी श्रृंखला को भगवान बढ़ाते हुए कहते हैं पुरुष सुख दुखाना, उस जीव आत्मा को जितनी सुख और दुख इस संसार में भोगने पड़ते हैं। अब देखो भले आत्मा को कुछ भी नहीं होता है वो असर, लेकिन वो भटक तो रही है ना, परेशान तो है ना इस संसार में आकर, क्योंकि वो बद्ध आत्मा हो गई है, तो उसका सुख और दुख क्यों होता है, उसे क्यों ये उठाना पड़ा है, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व,
अब भोक्तृत्व यानी जो उसे भोगना पड़ता है हेतु रुच्यते, उसे किस क्यों भोगने क्यों भोगना पड़ता है वो सुख और दुख, क्योंकि उसकी भोग की इच्छा है। इस संसार में आकर जब आत्मा प्रकृति के आवरण से प्रकृति के गुणों के अनुसार या माया के असर के द्वारा वो यहाँ पर सुख और दुख की इच्छा करती है, अंदर ऐसा लगता है कि इस संसार में आकर में हालांकि वो भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन जब वो भोग की इच्छा उसके अंदर होती है संसार में प्रभुत्व जताने की या मुझे कुछ प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति की जब ख्वाहिश होती है उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, सुख मिलेगा, और अगर नहीं पूरी होगी तो क्या होगा, दुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु से, क्योंकि वो भोग करना चाहता है इसलिए उसे सुख और दुख को फील करना पड़ता है। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, भौतिक कारण जितने भी हैं और उनके कार्यों की हेतु कही जाती है, जितने भी कार्य और कारण होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, प्रकृति की वजह से। और जीव इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण बनता है, और संसार में जो भी सुख और दुख है वो किसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जीव को। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विविध अभिव्यक्तियाँ प्रकृति के कारण है, यानी जीवों का शरीर भी है, इंद्रियां हैं, और उनकी जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं सुख दुख वो सब किस लिए है, प्रकृति। अब प्रकृति के बारे में तो पता चल गया था ना कि प्रकृति क्या है, 24 तत्व जो महातत्व है पहले वो, और उसके बाद पांचयान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिलकर ये प्रकृति है ना, जो संसार 24 तत्वों से जो संसार बना है। अब जो भी शरीर है हमारा, जो हमारी इंद्रियां हैं और उनके जो भी अभिव्यक्तियां हैं, जो भी उनसे रिजल्ट आते हैं, जो मतलब स्पर्श करने से देखने से, और वो सब क्यों है, प्रकृति के कारण। यदि प्रकृति नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर 84 लाख यानी कि 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। अब ये सारी क्यों है, प्रकृति जन्य है, इन 24 तत्वों से मिलकर ही बनी है। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से ये योनियां मिलती हैं, और जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, यानी कि जैसे भी हम इच्छा करते हैं ना, जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, यानी कि अब इंद्रिय सुख जो जो आप हासिल करना चाहते हो उस हिसाब से आपको योनि मिलती है। भगवान श्री गोपाल जी कितना क्लियर करते हैं, ऐसे बताते हैं ना कि जिसको अगर बहुत ज्यादा ना खाने की इच्छा होती है और अंत समय में खाने खाने के बारे में सोचता है तो उसको हाथी की योनि मिलती है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में आगे मिला भी है कि जिसको अगर है ना बहुत अपनी पब्लिसिटी या जिस तरह की नुमाइश करने का बहुत ज्यादा शौक होता है तो अगले जन्म में उसको वृक्ष योनियां मिलती हैं, जिसको नॉन वेजिटेरियन खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है तो इसी तरह गोश्त को जानवर उसको बना दिया जाता है। तो ये इस तरह बताया ना, देखो जीव के विभिन्न इंद्रिय सुख से ये योनियां मिलती हैं, और जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख का अनुभव करता है। यानी कि अब जो भी आपका शरीर होगा उसके अनुसार सुख और दुख आपको प्राप्त होंगे। इसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, यानी कि ये सुख और दुख कैसे होते हैं, जैसे ये बताया इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने 2.14 में बहुत अच्छे तरीके से बताया। भगवान कहते हैं 2.14 में मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदार, कि जो भी आपको सुख और दुख मिल रहे हैं वो वास्तव में स्पर्श के कारण के आपके इंद्रिय को जब वो टच होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आपकी इंद्रिय को, हालांकि वो सुख और दुख की पोजीशन होती है, कभी किसी की मृत्यु हो जाए, जब आप उसको देखते नहीं हो, आप उसको कानों से सुनते नहीं हो, इंद्रिय से टच नहीं होती बात, वो दुख वाली स्थिति क्रिएट नहीं होती है, लेकिन जब आपकी ज्ञान इंद्रियों से जब कोई टच होती है चीज, तब आपको पता चलता है कि दुख है या सुख है। तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है, कब, जब विभिन्न शरीरों के बाद उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। स्वयं वो कौन है, वो तो जीव आत्मा है, तो उसके कारण उसको सुख दुख नहीं मिल रहे, क्योंकि उसका सुख केवल कृष्ण के
पास जाने में और दुख केवल कृष्ण से दूर जाने में है। लेकिन ये सब क्यों मिल रहा है उसको, संसार में सुख दुख क्यों लग रहा है? सिर्फ इंद्रिय बोध के कारण, क्योंकि वो अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखे हुए है। वो ये समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। इसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। इसकी मूल अवस्था में जो रियल इसकी अवस्था है उसमें कोई संदेह नहीं, अतः वही इसकी वास्तविक स्थिति है। उसकी रियल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब उसमें जब आप जाता है, उस स्थिति में पहुंचता है, तब तो आनंद ही आनंद। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। यानी कि वैकुंठ लोक में ऐसा नहीं होता है कि मैं इस पर प्रभुत्व, यहाँ पर क्या है, हर कोई चाहता है कि मैं सामने वाले से कैसे श्रेष्ठ बनूं। वो अच्छा कर रहा है, उसको एप्रिशिएट करने में किसी को आनंद नहीं आता है, मतलब कि अच्छा कर रहा है। चलो, हर कोई सोचता है कि मुझे इससे बेटर करके दिखाना, आज उसकी तारीफ क्यों हो रही है, मैं मुझे होना चाहिए, मुझे आज होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करता रहता है। वहाँ पर क्या है? शुद्ध है। और ये बात भी जान लेनी चाहिए कि वहाँ पर वही जा सकता है जो इस शुद्ध अवस्था तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर बताया, किंतु भौतिक जगत में तो हर किसी को विभिन्न प्रकार के शारीरिक दुखों सुखों को प्राप्त करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये संसार जो है वो परिश्रम की जगह है। अब देखो, कोई सिंह जो होता है ना, शेर, लायन, वो हालांकि राजा होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठा हो और हिरण और दूसरे पक्षी बोले कि है ना, हमारा राजा बैठा हुआ है, चलो हम उसके मुंह में चले जाते हैं खाना उसको प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा होगा कभी नहीं। वो बल्कि जब शेर निकलेगा ना अपने घर से, दहाड़ेगा, तो सारे पक्षी बोलेंगे भागो भागो, शेर आ रहा है, तो छुप कर बैठ जाएंगे। और हिरण को ढूंढने के लिए, हिरण को खाने के लिए शेर को कितनी ज्यादा स्ट्रगल। यानी कि आप अगर सबसे बड़े राजा भी बन जाते हो तो भी आपको यहाँ पर संसार में परिश्रम करना पड़ता है, कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यह कहने से बात और भी स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। ये शरीर क्या है? इंद्रियों की वजह से इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। और शरीर है क्या? इंद्रियों के जरिए कार्य कराता है, ठीक है। और इंद्रियों के जरिए हम क्या करते हैं? सारा दिन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अब ये शरीर कहाँ से मिला है, इंद्रियां कहाँ से मिली है, ये सब प्रकृति, क्योंकि 24 तत्व से। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। यानी कि अब आपके पास जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी आपको भोगना पड़ रहा है, ये कोई भगवान ने या ब्रह्मा जी ने आपको थोपा नहीं है कि आपको ये सब आपके ऊपर लाद दिया गया है कि आपको इतना परिश्रम करना है, इतनी स्ट्रगल करनी है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस कबूल करनी है। संसार में जो कुछ भी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे वाले श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा, आज आपके पास जो कुछ भी है उसकी वजह ये है कि आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको मिल रहा है, और उसी के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप। आपको अच्छा अगर मिला है तो भी, और अगर खराब भी मिला है तो भी, आप ही के करतूतों की वजह से मिला। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुँचा देती है। क्यों पहुँचा देती है? हम यहाँ पर आज हम पाकिस्तान में क्यों है? हम क्यों मायापुर में जन्म नहीं लिया, या फिर हम लोगों ने क्यों वृंदावन में जन्म नहीं लिया? तो ये सब जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार। आज अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सिंसियर हैं, सीरियसली करेंगे, तो उससे हम अगले जन्म में बहुत अच्छे तरीके से हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन पिछले जन्म में हमने इतना ही किया होगा तो इतना ही मिल रहा है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। जहाँ भी हम आज जिधर भी हैं, जो भी हम बोलते हैं ना, कि अक्सर लोग मुंह से मैंने सुना है कि न जाने कौन से ऐसे
सत्कर्म कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ये दुख भोगना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। अपनी इच्छा अपनी हवस की वजह से सब कुछ मिलना होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है, जैसा उसको शरीर मिला उसके हिसाब से उसको कार्य करना पड़ता है। अभी उसको सुअर का शरीर मिला है तो उसको जाहिर सी बात है मल का भोग करना पड़ेगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं अब सुअर का शरीर है, आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, आप आज से खाली हलवा खाया करो और कुछ नहीं खाया। उसको शरीर जैसा मिला होगा उसके हिसाब से इसको काम करना पड़ेगा। कुत्ता बना होगा तो कुत्ते जैसे काम करने पड़ेंगे। और क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है, और पदार्थ है शरीर मतलब प्रकृति के अंडर कंट्रोल में है, तो प्रकृति के जो नियम होंगे उसके असर। अभी बंदर है, आप बंदर को ये थोड़ी बोलोगे कैसा करो आप है ना कल से टाइपराइटर बन जाओ या फिर आप है ना कंप्यूटर को यहाँ पर ये बैठ कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। वो बंदर है, उसको गुलाटी मारना आता है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, उसको मजबूरन ही उसको वही काम करना पड़ेगा। हालांकि आत्मा का ये कार्य नहीं है, उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है वह उस नियम को बदल सके। आप उस नियम जिस शरीर में है उसको वो वाले नियम रूल एंड रेगुलेशन पालन करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया है, अशोक बाबा जिसको बता रहे हैं, ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना पड़ता है, भौंकना पड़ता है, काटना पड़ता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी कुत्ता करेगा कि चलो ठीक है आज से नहीं करता हूँ, स्कूल जाऊंगा, स्कूल में जाकर स्टडी करूंगा या फिर टीचर बन जाऊंगा। उसको कुत्ता ही बनना पड़ेगा। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए भाग्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। यानी कि आपको ये शरीर आपकी मर्जी से मिला है, लेकिन इस शरीर में आप जब आ गए हो तो प्रकृति के नियमों अनुसार ही आपको कार्य करना पड़ता है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया कि देखो भगवान ये नहीं सोचता कि छोड़ो अभी कुत्ते के दिल में जाकर क्या बैठना, सुअर के दिल में जाकर क्या बैठना। भगवान आप चाहे किधर भी रहोगे वो आपके साथ ही रहेगा। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्या लिखा है? वहाँ लिखा है द्वासुपर्ण, यानी कि वो परमेश्वर जो है वो इतना कृपालु है जीव के ऊपर, इतना ज्यादा कृपालु है। सयुजा सखाया, यानी कि वो ये नहीं सोचता कि वो किधर किसी इसकी स्थिति कैसी है, वो इस लायक है या नहीं है। बस जीव का वो नित्य सखा है, नित्य उसके साथ रहता है। भले जीव अपने आप को कितना ही गिरा क्यों न दे। यहाँ संसार में क्या होता है, जब हमारी उन्नति होती है तब सब लोग साथ देते हैं, और अगर हम लोग में कोई खराब हम हो जाते हैं या फिर तो फिर सब हमारा साथ दे साथ साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बताया परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। चाहे हम किधर भी रहें, चाहे हमारा शरीर चाहे किसी भी घिनौने अवस्था को क्यों ना प्राप्त हो जाए, कीड़ा गटर का क्यों ना बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। ये है भगवान की अति कृपामयी अवस्था। तो इसीलिए भगवान को बोलते हैं कृपालु, कृपा सिंधु बोलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस चीज को बहुत अच्छा क्लियर करने वाले हैं, साथ रहिएगा। हरि बोल।